આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ मनीष प्रजापति, आप जो है स्टार न्यूज गुजराती लाइव पर। आज ये मंदिर है ये गंगावा, गंगावा गांव छे आउर तहसील में गंगावा करके गांव है। जो मंदिर है उसका इतिहास बहुत ही सुंदर है और 700 साल पुराना ये जो मंदिर है ये बाइया शाह के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो ये सात बाई जो बोलते है, सात माता जो और आठवां भाई भैरू के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे ये देखो सातों बहनें, ये सात जो ये जो सात बहनें हैं और ये आठवां भाई जो भैरू के नाम से जाना जाता है। ये सात भाइयों का जो है ये सात भाई जो पूजी जाती है और 700 साल पुराना जो मंदिर है। हम जानेंगे यहाँ के व्यवस्थापक क्या नाम है सर आपका? जेठूदान भाई से हम जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है और कितने साल पुराना ये मंदिर है। सर ये कितने साल पुराना मंदिर है साहब? ये 13वीं सदी का मंदिर है, अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब जालौर किले के ऊपर अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है ना, सोनोग्रों का शासक था, उनकी बहनें थी और उनको धर्म की आक्रांताओं के कारण उन्होंने वहाँ से एकदम सच चढ़ा हुआ उसे उड़ान भर के यहाँ रथ उतरा था माना जी। और ये कितना साल पुराना है? ये 700 साल पुराना, 700 साल पुराना, 13वीं सदी का, अभी 2000 चल रहे हैं, 2078। अच्छा, और यहाँ पे कौन से धर्म के लोग आते हैं? यहाँ 36 ही कौम आती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मतलब जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी कौमें हैं वो सभी कौम की श्रद्धा का स्थान है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है माता जी का, किसी का कोई भेदभाव नहीं, यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हो ये जो अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत जो है माता जी की, ये 24 घंटे जो अखंड ज्योत जो है वो चलती रहती है। आप देख सकते हो ये 24 घंटे अखंड ज्योत चलती रहती है ये माता जी के दरबार में। ये जो नीम है ना, और ये जो नीम का जो पेड़ दिख रहे हैं 700 साल पुराना है, ये नीम का जो पेड़ है वो 700 साल पुराना है। आप देख सकते हो ये 700 साल पुराना नीम का पेड़ है, सुरक्षित रहता है, इसका कोई जो सुरक्षित है और इसको कोई भी काट नहीं सकता है ऐसा बताया जा रहा है। आप देखिए आइए और भी कुछ दिखा रहा हूँ मंदिर में, और ये माता जी के जो वस्त्र है ये माता जी को वस्त्र भी अर्पण किए जाते हैं। कितनी भी मूर्तियाँ सकती है, सात सात बहनों और आठवां, ये सात बहनों का है, ये सात बहनें आप देख सकते हैं और आठवां भैरू जी है और ये बता रहे हैं कि ये माता जी का रथ है। ये सूर्य भगवान से भी आगे चलता है सर, ये के सूर्य भगवान से भी माता जी का रथ आगे चलता है। और ये जो सारी ऊपर जाली लगी हुई है ना, इसका वायु के अंदर भ्रमण होता है माता जी का। आप देख सकते हो ये जाली है, आप जाओ इसको शिखर मंदिर नहीं बना सकते क्योंकि इसका वायुमंडल में विचरण होता है माता जी का। जी बहुत खूब, बहुत खूब। आइए और भी हम जानेंगे यहाँ के मंदिर से। ये आप देख सकते हो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे रथ उतरा था और ये सात बहने हैं, सात बहने, आठवां भाई, आठवां भाई आप देख सकते हो बहुत ही खूब। ये और ये कोड़िया माँ का, बस ये कोड़ियाली का रूप है सर, कोड़िया का ही रूप है ऐसा बताया जा रहा है। आइए और भी देखते मंदिर, ये माता जी की मूर्ति है, शेर के ऊपर सवार, शेर के ऊपर सवार की गई है माता जी है। आइए और भी जानते हैं इनसे, गोरा भैरव, काला भैरव, ये काला भैरव और गोरा भैरव जो है ये माता जी की आरती, दोनों साइड में देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये सिरोही के जालौर जिले में आउर तहसील गंगावा गांव में स्थित है। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये नगारे, देखिए ये मोपत है, देखिए ये मोपत है, बहुत ही बड़ा है नौपत, जिसका नाम नौपत दिया गया है। ये नगारे है, ये लेडीजों के कपड़े पहनने के लिए, बदलने के लिए, ये माता जी के नाम से कपड़े पहनते हैं उनके पहनने के। आइए और भी देखते हैं,
ये नीम भी देख सकते हो, ये भी ये 700 साल पुराना है। ये अंदर तक रखा हुआ ऐसे किया गया है, ऊपर आरसीसी है, आरसीसी से बाहर निकल गया है। देखिए 700 साल पुराना है नीम है। आइए और भी देखते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु जो होते हैं, ये माता जी का हवन है, इसमें हवन किया जाता है, आप देख सकते हो हवन। यहाँ पे श्रद्धा जो होती है, घूमने के लिए पैदल यात्री बहुत आते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पैदल यात्री भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ये है क्या है सर? वेदी, वेदी हवन है ये, महल वास्तु शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये जो हवन बना हुआ है, ये हवन बना हुआ है। और ये वेदी, और ये वेदी है, यहाँ पर माता जी विराजमान होते हैं, यहाँ पर सूर्य भगवान, वहाँ भैरू जी, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता, लक्ष्मी जी और भी जो देवी देवता इसके ऊपर विराज, इसकी लौ देखते हैं ना जब हवन जी सर, जब हाँ। ये हवन मतलब सही होता है। अच्छा, यहाँ पे माता जी सब विराजमान होते हैं, बहुत ही बहुत ही होम अष्टमी का बहुत बड़ा होम, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। ओम का है जो यहाँ पे ओम का मंडप बोलते हैं जी, बहुत ये माता जी की जो एक धर्मशाला है सामने। यहाँ पे यात्रियों के रहने के लिए धर्मशाला भी है, जो वीआईपी सुविधा है, वीआईपी सुविधा आप यहाँ पे दी जाती है, लेट्रिन बाथरूम वगैरह सब। इसके रूम के क्या है कि वो बाद में कुछ चार्ज होंगे, लेकिन सारी सुविधा है। देखिए आप देख सकते हो ये सारी सुविधा है, ये वीआईपी आजा बेटा, वीआईपी लोगों को दी जाती है, बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर लाइट जाती है तो यहाँ पे मंदिर की तरफ से जनरेटर भी लगाया गया है, ताकि कोई भी यात्रु जो आते हैं वो परेशानी ना होए। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधा है, रहने की, खाने की, पीने की सभी व्यवस्था यहाँ की गई है मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से। नहीं बस सर, ये रसोई घर है, ये रसोई घर है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों को भोजन भी करवाया जाता है, आप देख सकते हो। और इसके पीछे जल देवी का मंदिर भी इसमें शामिल है, जल देवी। और ये एक और मंदिर है जो, कौन सी देवी है सर? जल देवी, जल देवी, जल देवी, आइए मैं कहते जलेरी माता। ओके, आइए जलेरी माता का दर्शन करेंगे हम। ये भी बहुत जल की देवी, बहुत ठंडी देवी, जिसकी कृपा हो जाती है सब मालोमाल हो जाते हैं। अगर जलेरी जलेरी देवी का, जल देवी का कृपा हो जाए तो न्याल हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ परिक्रमा भी होती है 7 बार। ये जल देवी का, इसमें सिर्फ ये त्रिशूल लगा हुआ है, और ये जो इसको ये पेड़ के चढ़ते हैं, ये जवेरी माता है, आप देख सकते हो सर। यहाँ की क्या खूबी है? जवेरी जवेरी माता की, इसकी जल देने की कृपा, किसी के कान अगर रहते हैं, दुखते हैं, तो सिर्फ आपको एक पेड़ का, ये मिट्टी का, कच्चे मिट्टी का, उसके अंदर पानी या धान, गेहूं, बाजरी, मक्की, कुछ भी डाल के माता जी को अर्पण कर दो, नाले चढ़ा दो, कान अपने आप। देखिए माता जी का चमत्कार भी सुनिए आप। अगर किसी को ये कोई परेशानी है तो माता के दरबार में आके माता जी से विनती करके कर सकते हैं, तो उनका काम पूर्ण होता है। धन्यवाद, देखते रहिए स्टार न्यूज गुजराती लाइव पर, मनीष प्रजापति के साथ। ये जो है माता जी का हवन है, जलेरी माता का, आप देख सकते हो। आइए सर, स्टोर है, यहाँ पे एक स्टोर रूम भी दिया गया है, सामने वो धर्मशाला है, और सामने धर्मशाला भी बनाई गई है यात्रियों के लिए, सामने बड़ा वाला है वो कबूतरों का, और यहाँ पे चबूतरा भी बनाया गया है, जिसमें आजा बहुत ही, और जो अच्छा है कोविड-19 की भी गाइडलाइन यहाँ सारी, और ये राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, सरकार श्री के आदेश मुजब ही यहाँ पे कोविड-19 का पालन किया जाता है।
धन्यवाद सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी कृपा करें जब और आना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए स्टार न्यूज़ गुजराती लाइव पर मनीष प्रजापति के साथ। धन्यवाद।